नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना हमें तो हो जाता था हर उस जगह से प्यार हमें तो हो जाता था हर उस जगह से प्यार जहां बैठ कर तेरे बारे में सोच लिया करते थे नमस्कार प्यारे बच्चों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई प्रदीप सर पर और प्यारे बच्चों जितनी भी पी डी एफ थी मैंने जी के भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम पर भेज दी थी वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और प्यारे बच्चों आज का जो लेक्चर है बेहतरीन उसकी शुरुआत करते हैं किसके द्वारा कोविड दो हज़ार उन्नीस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया और कब तो प्यारे बच्चों ये कौन करेगा? WHO करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेगी कौन करेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करेगी प्यारे बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन है ना इसको क्या करेगी वैश्विक महामारी घोषित करेगी इसको कब किया गया था 11 मार्च 2000 20 में किया गया था और कहते हैं कोविड वायरस है ना इसे कोविड 19 क्यों कहा जाता है क्योंकि ये 2019 में ना चीन के वुहान शहर से या वुहान लेव से निकलने का काम किया तो इसे कोविड नाइनटीन कहते हैं एक बार तो एचसीएस में आया था कोविड नाइन्टीन इस वायरस को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था साइरस के नाम से जाना जाता था किस वायरस के नाम से जाना जाता था साइरस के नाम से जाना जाता 11 मार्च 2020 को इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया और प्यारे बच्चों तो हरियाणा है ना को ये क्वेश्चन आएगा हरियाणा कोविड को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा कोविड को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कोविड का इतिहास लिखने वाला भी हरियाणा भारत का क्या रहेगा पहला राज्य रहेगा जिसने कोविड का इतिहास है, लिखा है तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम में देखो एक क्वेश्चन से चार पांच क्वेश्चन बनाना सीख लो आप कभी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं प्यारे बच्चों वायुसेना का सत्ताईसवा अध्यक्ष कौन है तो वायुसेना के सताइसवें वा अध्यक्ष प्यारे बच्चों वी आर चौधरी कौन थे वी आर चौधरी वायुसेना के कौन से अध्यक्ष रहेंगे अध्यक्ष कौन रहेंगे वी आर चौधरी जी वायुसेना के कौन से अध्यक्ष थे अध्यक्ष थे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या है और कहां से लिया गया है तो कांग्रेस है ना इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह लोगों का समूह लोगों का समूह और यह वर्ड कहां से लिया गया था अमेरिका से लिया गया था कहाँ से लिया गया था और प्यारे बच्चों अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है जापान की संसद को क्या कहा जाएगा डायट कहा जाएगा स्विटजरलैंड स्वीट की संसद को क्या कहा जाएगा फेडरल असेंबली कहा जाएगा क्या कहा जाएगा फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड की संसद को कहा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है क्या कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है तो ये प्यारे बच्चों पंचायत से भी क्वेश्चन है आगामी एग्जाम में आ सकता है जर्मनी की संसद को बुंद कहते हैं क्या कहते हैं बुंद जर्मनी की संसद को कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों बहुत इंपोर्टेंट रहेगा ये बुक है ना बार बार क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट करते हैं सीईटी के लिए क्या पढ़े तो ये बुक पूरे हरियाणा में अवेलेबल रहेगी पिछहत्तर सौ सतर प्लस है एन के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों और सारे के सारे प्रीवियस ईयर एक सब्जेक्ट नहीं है सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे और ये साढ़े से लेकर चार के बीच में ये बुक आपको मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था किसने कहा था कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था है ना किसके द्वारा विपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था किसके द्वारा विपिन चंद्र पाल के द्वारा इसे याचना करने वाली या मतलब मतलब अनुरोध करने वाली संस्था कहा गया था और अगर है ना करजन ने कांग्रेस को क्या कहा था करजन ने कहा था ये अपनी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है और मेरी इच्छा है मैं इसे मरते हुए देखूं और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है डफरीन ने क्या कहा था कांग्रेस को सूक्ष्म ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्म लोगों का क्या करती है प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने कहा था महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था अब हमें कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए कोटेशन आएगी प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भारत का विद्ध पुरुष किसे कहा जाता है या ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये प्यारे बच्चों दादा भाई नारोजी को कहा जाता था किसको कहा जाता था दादा भाई नोरोजी को कहा जाता था दादा भाई नोरोजी को कहा जाता, जाता था और प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय थे हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन थे दादा भाई नरोजी सबसे पहले अगर पूछे धन के निष्कासन का सिद्धांत निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया दादा भाई नरोजी ने दिया सबसे पहले पर पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी और ये भी आ सकता है अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दूसरी बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की दादा भाई नौरोजी ने की थी और प्यारे बच्चों इन्हें ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और कांग्रेस है ना ये नाम किसने दिया था दादा भाई नोरोजी ने कौन सा नाम दिया था कांग्रेस का नाम दिया था किसने दिया था दादा भाई नोरोजी ने कांग्रेस नाम दिया था इससे पहले कांग्रेस को इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों रावत बाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर रहेगा तो रावत बाटा ये प्यारे बच्चों रावत बाटा कहाँ पर रहेगा राजस्थान में रहेगा रावत बाटा रावत भाटा परमाणु कहां पर रहेगा ये राजस्थान में रहेगा कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों रावत बाटा और रा से राजस्थान ये पूछा गया था उन्नीस में कैनेडा के सहयोग से बना था उन्नीस में कनाडा के सहयोग से बना था और 1080 मेगावाट की क्या रहेगी इसकी क्षमता रहेगी गोरखपुर परमाणु सेंटर है ना ये फतेहाबाद में रहेगा 2014 में कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका क्या किया था जनवरी 2014 में उद्घाटन किया था उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के क्या होते थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये पेपर में जितने भी क्वेश्चन करवाए आए हुए हैं अब बात आती है प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित रहेगा शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी प्यारे बच्चों बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है एक एग्जाम में तो ये शिव समुद्रम वाला डायरेक्ट आया था ये कर्नाटक में रहेगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कहां पर रहेगा कर्नाटक में रहेगा और किस नदी पर रहेगा कावेरी नदी पर रहेगा ये कहां पर रहेगा शिव ये कर्नाटक में रहेगा और किस नदी पर रहेगा प्यारे बच्चों ये कावेरी नदी में रहेगा काम पर रहेगा कर्नाटक में रहेगा तांबे का प्रथम राज्य उत्पादक कौन सा है पहले प्यारे बच्चों अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं ना ऋग्वेद तो ऋग्वेद काल में ना तांबा है ना ये सबसे ज्यादा कहां पर होता था खेतड़ी में होता था और खेतड़ी कहां पर रहेगा आपका राजस्थान में और महाराज खेतड़ी थे ना महाराज खेतड़ी उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को कौन सी उपाधि दी थी स्वामी की उपाधि दी थी और वर्तमान की अगर प्यारे बच्चों में तांबे की बात करूं ना ये बालाघाट एमपी में ज्यादा होता है तांबा वर्तमान में कहां पर ज्यादा होता है बालाघाट घाट बाला ये कहां पर रहेगा मध्य प्रदेश में रहेगा कहाँ पर रहेगा मध्य प्रदेश में रहेगा यहाँ पर क्या होता है वर्तमान में ये तांबा बालाघाट मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है और पहले यारे प्यारे बच्चों ये तांबा खेत दूसरे नंबर पर खेतड़ी राजस्थान रहेगा आगे आता है बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है कि प्यारे बच्चों बाबा बुंदन की पहाड़िया ना कर्नाटक राज्य में है सबसे इंपॉर्टेंट आता है बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में रहेगी कर्नाटक राज्य में रहेगी और कहते हैं बाबा बुंदन ने ना सबसे पहले क्या बनाई थी कॉफ़ी बनाई थी क्या बनाई थी कॉफ़ी और ये भी क्वेश्चन आता है जैसे चवन ऋषि ने मतलब डोसी की पहाड़ी पर क्या बनाया था च्यवन प्रास बनाया था तो बाबा बुंदन ने कॉफी की खेती की थी इसीलिए ये पूछा जाता है कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा होती है दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है एक तो कॉफी कर्नाटक में होती है सोना कहाँ पर ज्यादा होता है ये भी कर्नाटक में सोना ज्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहेगा तो कोयला उत्पादन में भारत का प्यारे बच्चों तीसरा स्थान रहेगा कौन सा स्थान रहेगा भारत का तीसरा स्थान रहेगा इसे प्यारे बच्चों मतलब है काला सोना भी कहा जाता है काला सोना वैसे एन काला सोना पेट्रोलियम को मानती है और हरियाणा काला सोना मुरा देश को मानती है इकोनॉमिक्स काला सोना कोयले को मानती है और प्यारे बच्चों ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला पूछे तो एनथ्रे साइट होगा क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सत्तानवे परसेंट के लगभग होती है एंथ्रेसाइड हो गया बी टू हो गया ठीक है लिग लिग नाइट हो गया और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पूछे या अच्छा ना वो पीट कोयला रहेगा ये प्यारे बच्चों सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का रहेगा सबसे हाइएस्ट का एंथ्रा साइड होगा और सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोयला पीट कोयला होगा छत्तीसगढ़ का एरिया आप पूछोगे ना प्यारे बच्चों प्रथम कोयला उत्पादन में भारत में किस कौन प्रथम पर है छत्तीसगढ़ है कौन सा रहेगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला होता है प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कोयला नेक्स्ट है आई की स्थापना कब और किस देश में हुई इसका हेडक्वार्टर प्यारे बच्चों नई दिल्ली में रहेगा ठीक है इसका हेडक्वार्टर भी एक बार पूछा गया था नई दिल्ली में रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 16 जुलाई उन्नीस को 16 जुलाई उन्नीस को क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा नहीं। दिल्ली में इसका क्या रहेगा हेडक्वार्टर रहेगा उन्नीस में इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन फुल फॉर्म भी आ सकती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर री सर्च इसकी क्या रहेगी फुल फॉर्म रहेगी 16 जुलाई उन्नीस विश्व का एकमात्र तेरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केम्बला जाऊद किस झील पर स्थित रहेगा ये प्यारे बच्चों लोकटक झील पर स्थित रहेगा किस झील पर लोकटक झील पर रहेगा लोकटक ये कहाँ पर रहेगी मणिपुर में रहेगी विश्व का एकमात्र ये प्यारे बच्चों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया लोकटक मणिपुर में रहेगी तो ये विश्व का एकमात्र क्या रहेगा तेरता हुआ नेशनल पार्क केबला जाओ किस झील पर रहेगा लोकटक तो याद कैसे करोगे जब मणि को खाएंगे ना आवाज कैसे आएगी टक तक तो लोकटक कहाँ पर रहेगा मणिपुर में रहेगा नेक्स्ट है कौन थे बहुत अच्छी बात पूछी है एक वेद थे क्या होते थे एक वेद होते थे या वेद ना ये तो चिकित्सक होते थे क्या होते थे चिकित्सक होते थे कहते हैं प्यारे बच्चों ये नाड़ी नाड़ी वेद होते थे ये न, मतलब जैसे आपकी नवज पकड़ी ना और बता देते थे कि आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी ये नाड़ी देखकर बीमारी बता दिया करते थे कि शरीर में कौन सी बीमारी है तो धनवंतरी कौन होते थे तो धनवंतरी क्या होते थे प्यारे बच्चों एक चिकित्सक होते थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त चंद्र विक्रमादित्य विक्रमा या चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे कालीदास भी है ना उन्हीं के दरबार में रहा करता था शंकु अमर सिंह सारे उनके दरबार में रहते थे शेर सूरी का मकबरा कहाँ पर है बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है पक्का आएगा शेर सूरी का मकबरा रहेगा सासाराम बिहार में काम पर रहेगा सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी की मृत्यु का थी 1545 में और शेरशाह सूरी की मृत्यु पर एक इतिहासकार कनिंगम है इसने लिखा था शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना वो किस से ज्यादा सुंदर है ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर शेरशाह सूरी के मकबरे को किसने कहा था तो किसने कहा था प्यारे बच्चों कनिंगम नामक इतिहासकार ने कहा था इसका शेर शाहूरी का मकबरा काम पर रहेगा बिहार में सासाराम बिहार में रहेगा और शेर सूरी है ना अगर आई जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया और ऑप्शन में शेर सूरी ना रहे ना तो जीटी रोड का निर्माण प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और उस टाइम उसको उत्तरापंथ कहा जाता था क्या कहा जाता था उत्तरापंथ कहा जाता था और जो आपका एन एच शेर वाला है ना वो एन एच वन और एन एच टू रहेगा और अब तो इसका नाम बदल कर एन एच फोर्टी फोर तो एग्जाम में ये पूछेगा एन एच फोर्टी फोर का दूसरा नाम क्या रहेगा तो एन एच फोर्टी फोर का दूसरा नाम क्या रहेगा शेर सूरी मारा किसका दूसरा नाम रहेगा नेक्स्ट है ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन क्या रहेगी ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन ये प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार की एप्लीकेशन है किसकी है हरियाणा सरकार की एप्लीकेशन रहेगी ये प्यारे बच्चे ऑनलाइन है क्या है आपको री, रीडिंग का इससे पता चल जाएगा ठीक है सरकार को भी ऑनलाइन इससे क्या हो जाएगा रीडिंग का पता चल जाएगा किस एप्लीकेशन के तो ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन किसकी है हरियाणा सरकार की एप्लीकेशन रहेगी ऑनलाइन रीडिंग के लिए रहेगी ताकि घर जाना ना पड़े नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां पर रहेगा तो नर्मदा नदी है ना ये प्यारे बच्चों अमरकंटक की जो नर्मदा जो नाम जो नाम रे वो क्या है अमर है अमर कंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से और सोन नदी भी कहाँ से निकलती है सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन माने सेना सेना मरती नहीं है अमर वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है ये प्यारे बच्चों बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा एक बार तो ना इसका आदर्श वाक्य से भी क्वेश्चन बना था आठ अक्टूबर को होता है आठ अक्टूबर को आठ है अक्टूबर को होता है इसको नव सपर्स कहा जाता है नव सपर्स दीपतम इसका नब सपर्स दीपतम नव सपर्श दीप्तम इसका क्या रहेगा आदर्श के और वायुसेना दिवस है ना कब मनाया जाता है ओठ आठ अक्टूबर को मनाया अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है ना ये प्यारे बच्चों दस दिसंबर को कब मनाया जाता है दस है? दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिन ना कौन से पुरस्कार बांटे जाते हैं नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं वो कहाँ का वैज्ञानिक था स्वीडन का वैज्ञानिक था स्वीडन की कैपिटल पूछे तो स्टॉकहोम और एक है ना जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्यारे बच्चों वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है बाकी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी डायनामाइट की खोज की थी ये भी पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा ये 10 दिसंबर 1948 को कहा गया और पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था तो वो कब मनाया गया था 1950 में मनाया गया था शुरुआत 1948 में हुई और पहली बार कब मनाया गया था 1950 में इसको मनाया गया था तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं असली पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया विष्णु विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा विष्णु दत्त के द्वारा क्या लिखा गया था असली पंचतंत्र कहा लिखा गया कहते हैं तीसरी शताब्दी के आसपास है ना असली पंचतंत्र लिखा गया था यह भी आ सकता है प्यारे बच्चों शताब्दी भी पूछी जा सकती है असली पंचतंत्र किस शताब्दी के आसपास लिखा गया तो तीसरी शताब्दी के आसपास असली पंचतंत्र लिखा गया किसने लिखा था विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा असली पंचतंत्र की क्या की गई थी रचना की गई थी ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आएगा पंचतंत्र की कहानियां है ना अनेक भाषाओं में क्या मिलेगी आपको पंचतंत्र की कहानियां मिलेगी बड़े ही बड़े ही प्रेरणादायी के इसमें क्या होते हैं किससे होते हैं और प्यारे बच्चों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज को देख पार रहे शिवाजी महाराज के दरबार में रहने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या था तो ये यहाँ पर क्या था तो प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सोलह ईसवी में पूना के पूना के किस किले में हुआ था शिव नेर किले में हुआ था पिता का नाम क्या होता था सहाजी भोसले होता था पिता का नाम क्या होता था सहाजी भोसले होता था माता का नाम क्या होता 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 था क्या होता था था क्या क्या इनकी होती थी माँ होती थी ठीक है सालाबाई ठीक है सालाबाई से इन्होंने या मतलब क्या कर ली थी शादी कर ली थी और प्यारे बच्चों दादाजी कौन देव इनके पहले गुरु दादाजी कौन कौन? देव ठीक है इनके क्या होते थे गुरु होते थे ठीक है मतलब इन्होंने रामदास वैसे इनके अध्या अध्यात्मिक गुरु पूछे ना अध्यात्मिक गुरु कौन होते थे श्री रामदास जी इनके क्या होते थे अध्यात्मिक गुरु होते थे छत्रपति शिवाजी महाराज है ना प्यारे बच्चों इन्होंने ना कहते हैं बनारस के पंडित से क्या करवाया था राज्य राज्यभिषेक करवाया था सोलह सो चौहत्तर में छत्रपति महाराज की इन्होंने क्या ली थी उपाधि ली थी और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सबसे पहले अगर है ना किसानों को सेना में भर्ती करने वाले कौन होते थे छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे इन्होंने दो प्रकार के टैक्स लगाए थे एक टैक्स को क्या कहा जाता था चौथ कहा जाता था और दूसरे टैक्स को क्या कहा जाता था सरदेश है मुखी कहा जाता था तो शिवाजी के दरबार में रहने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या होता था आपका राइट आंसर होगा अष्ट प्रधान होता था क्या होता था अष्ट प्रधान होता था इसमें जो प्रमुख पद होता था वो केस का होता था पेशवा पेशवा किसको कहा जाता था प्रधानमंत्री को कहा जाता था और प्यारे बच्चों एक दिन ऐसा आएगा कि छत्र ये मराठा समाप्त हो जाएंगे और बाद में पेशवा ही आगे बनेंगे ये था आज का टॉपिक आज का टॉपिक कैसा लगा हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताना इसकी पीडीएफ आप जीके भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल चैनल से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आज के लिए इतना ही है कल आपसे दोबारा हम रूबरू होंगे तब तक के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों पढ़ाई से नाता मत तोड़ लेना ये वो चीज़ है प्यारे बच्चों अगर आज है ना कोई आपसे नाराज भी हो गया ना तो अगर आप जॉब लग जाओगे तो वो मन जाएगा सारी नाराजगी आपकी जितनी भी नाकामियां है ना जॉब लगने के बाद वो सारी की सारी उस पर पानी फिर जाएगा कोई याद नहीं करेगा लेकिन क्योंकि आप कामयाब हो गए और कामयाब से हर कोई रिश्ता रखना चाहेगा तो कल आपसे दोबारा भेंट होगी तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत